तो हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माइनक्राफ्ट 2। यस गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट 2, जिसको कि गाइस यार बनाया है गेमर बनी नाम के एक यूट्यूबर ने, एंड साथ ही में विजाग ओपी नाम के भी एक यूट्यूबर ने। दोनों के चैनल का लिंक ना मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके उन दोनों का भी चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो हम लोग जल्दी से यार अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। एंड ना मैंने देखा उनकी वीडियो में कि माइनक्राफ्ट 2 के अंदर उन लोगों ने काफ़ी कुछ ऐड करा है। वैसे दोनों ने अलग अलग माइनक्राफ्ट 2 बनाया है, बट मेरे फ़ोन के अंदर ना विजाग ओपी वाला माइनक्राफ्ट 2 चला नहीं, सो मैंने गेमर बनी वाला इंस्टॉल करा एंड ये वाला मेरे फ़ोन के अंदर चल गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ल्ड भी जनरेट कर दिया है एंड यहाँ पर फाइनल से हमारा वर्ल्ड भी जनरेट हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया सी यार इसके अंदर शेडर डाले हुए हैं इन बंदों ने। एंड आगे चल के मैं देखता हूँ यार इस वर्ल्ड को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड इस वाले वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कुछ है। सो न्यू वाला वर्ल्ड मैंने जनरेट यहाँ पर करा है एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बहुत कुछ है इसके अंदर। वैसे बायोम वगैरह भी इन लोगों ने शायद से ऐड करी है। वैसे इसके अंदर 1.18 डाला हुआ है, मतलब 1.18 वाले वर्जन में खेल रहा हूँ। सो मैंने थोड़ी सी वुड यहाँ पे कलेक्ट करी एंड इसका मैंने बना लिया है क्राफ्टिंग टेबल। सो क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग अभी बनाएंगे एक स्वॉर्ड एंड उसके बाद बनाएंगे एक पिकैक्स। सो पिकैक्स बना लिया, नहीं पहले पिकैक्स बनाएंगे फिर स्वॉर्ड बनाएंगे। सो यहाँ पर थोड़े से हम लोग स्टोन माइन करने चलते हैं। वैसे ये मेरे को लगा दूर से स्टोन है, बट ये तो ग्रेवल निकला। सो सामने की तरफ में थोड़े बहुत स्टोन दिख रहे हैं, दिख तो नहीं रहे फिलहाल को। सो आगे चलते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे हमको थोड़े बहुत स्टोन। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे कुछ तो है, ये इसको डियर कहते हैं ना शायद, ये वाइट कलर का मैं क्या कर रहा है यहाँ पे। सो इन लोगों ने कुछ तो बढ़िया बढ़िया मॉब्स वगैरह इसके अंदर ऐड करे हैं। तो यहाँ से मैं जल्दी थोड़ा सा स्टोन माइन कर लेता हूँ एंड स्टोन को भी कर लेते हैं कलेक्ट। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट करा, अराउंड 7 मेरे लिए इनफ होंगे अभी। एंड इससे मैं थोड़ी सी स्वॉर्ड एंड पिकैक्स वगैरह बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे को बाद में काम आए। एंड अभी हम लोग चलते हैं एक्सप्लोरिंग पे। सो यहाँ पर बना लिया मैंने स्वॉर्ड और पिकैक्स और कलेक्ट कर लिया मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल। और हम लोग चलते हैं इधर की साइड से, क्योंकि मेरे को आगे की तरफ कुछ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं एंड हो सकता है कि आगे एक विलेज वगैरह भी मेरे को मिल जाए। वैसे पानी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा कुछ पानी के अंदर है नहीं, बट यहाँ पर कुछ तो है यार ये वाला देख सकते हो। इसको शायद से देखते क्या नाम लिखा है इसका। सो इसका नाम क्ले सॉइल है यार, ये मिट्टी है। सो ये वाली मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी तो ये वन शॉट हो रही है, मतलब एक ही बारी में टूट रही है वाली मिट्टी, ऐसा लग रहा है मैं क्रिएटिव में खेल रहा हूँ बट मैं सर्वाइवल के अंदर खेल रहा हूँ। एंड पानी के अंदर तो इन लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐड करा नहीं है। बाकी तो यार आप लोगों को उन दोनों का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग को अगर इसको डाउनलोड करना है ना, आप लोग उन्हीं के चैनल से करना, मैं लिंक वगैरह नहीं दूंगा, क्या फ़ायदा मेरे चैनल पर स्ट्राइक वगैरह आ जाए। वैसे यार ये वाला जो शेडर है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को शेडर। एंड ये वाला शेडर मैं माइनक्राफ्ट ओरिजिनल वाले माइनक्राफ्ट के अंदर भी डालूंगा। वैसे इसका नाम अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताना। और ये कौन सा मॉब है यार, ये मार रहा है मेरे को। अरे भागो यार, ये बंदा मेरे को मार देगा, मार दो। सो इसको मैंने मार दिया यहाँ पे। वैसे यार इसमें काफ़ी सारे मॉब्स वगैरह नए नए ऐड हुए हैं एंड ये देख सकते हैं यार कितना छोटा सा है यार ये मॉब है, कितना छोटा सा है, ऐसा लग रहा है पत्थर वगैरह गिरा हो यहाँ पे। तो इसे तो छोड़ो, अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, आगे और क्या क्या है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बियर का बच्चा है शायद से, इसको नहीं मारूंगा या फिर क्या पता इसका पापा आ जाए और मेरे को मारने लग जाए। सो अभी हम लोग चलते हैं इधर की साइड से आगे की तरफ एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूंगा मैं इस वाली जगह को। एंड हाँ, सामने की तरफ में मेरे को कुछ एक घर सा दिख रहा है गाइस, लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप। वैसे गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सील मिला है मेरे को, और ये सील को मैंने मारा। अरे यार ये वाला सील भी मेरे को मार रहा है, इसे छोड़ो और इसे थोड़ा सा दूर भागते हैं, क्या फ़ायदा है मेरे को मार दें यहाँ पे। वैसे ही बर्फ़ के अंदर ये बिल्कुल सही चल पा रहा है। एंड सामने विलेज जैसा कुछ दिख रहा है एंड ओ माई गॉड, डॉल्फिन देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया है यार, यहाँ पर पिंक कलर की वो भी। वैसे रियल माइनक्राफ्ट में, मतलब नॉर्मल वाले में तो वैसी होती है, वाइट कलर में, ग्रे कलर में होती है। बाकी ये शायद से कोई विलेज है यार, मेरे को लग तो रहा है। बाकी तो ये शायद से वो है अबेंडेड ही कहते हैं ना उसको, मेरे को पता चले मैं गलत बोल रहा हूँ। बाकी तो अबेंडेड विलेज लग रहा था, बट ये एक नॉर्मल एक घर है। आप लोग देख सकते हो ओनली यहाँ पर एक ही घर है। एंड आगे तरफ चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ओ भाई साहब टाइगर, अरे भाई इससे दूर हो, इससे दूर चलो भाई साहब, ये मार देगा, क्या फ़ायदा, इससे तो पंगे लेने ही नहीं है, क्या फ़ायदा यार अभी मार दे मेरे को। एंड वैसे भी अभी पूरी की पूरी एक्सप्लोरिंग बाकी है। सो यहाँ पर हम लोग घर के अंदर चलते, घर के अंदर कुछ मिल जाए मेरे को तो ठीक रहेगा। ओ भाई साहब डायमंड, मतलब आते ही डायमंड मिल गया मेरे को,
एंड इसके अंदर थोड़ा बहुत आयरन भी है, तो आयरन भी लेंगे, बाकी तो ब्रेड मिल के ब्रेड को खाते हैं हम। और इन दोनों आयरन से मैं एक स्वॉर्ड बना लूँगा ताकि यार यहाँ पर मैं थोड़ी सी और सिक्योरिटी रह सके। एंड यहाँ जो टाइगर था अब उससे लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बट अभी नहीं जाऊँगा, सबसे पहले तो थोड़ा इस घर को भी लूट लेते हैं। मैंने सुना है कि इसके अंदर दो चेस्ट रखी हुई है, बाकी ऊपर वाले फ्लोर पे एक चेस्ट होगी एंड नीचे वाले फ्लोर की तो चेस्ट मैंने लूट लिया। एंड हाँ, यहाँ पर एक बेड भी है, इस बेड को हम लोग ले लेते हैं ताकि बाद में हम लोगों को सोने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड हाँ, इस चेस्ट में काफ़ी सारा खाना वगैरह भी है, काफ़ी सारा सामान है, वैसे इसको एक एक करके लेने से अच्छा तो ना मैं डायरेक्टली ले लूँ। यहाँ से एक्स निकालते हैं एंड इसको तोड़ देते हैं एंड पूरी के पूरे सामान हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। एंड बाकी यार इस वाले घर के अंदर भी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। सो इधर काफ़ी देर से मैं भटक रहा था एंड यहाँ पर मेरे को एक प्लेन्स बायोम मिली है एंड प्लेन्स बायोम के अंदर मेरे को एक बटरफ्लाई भी देखने को मिली है। भाई सब बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है यार माइनक्राफ्ट के अंदर स्पेशली, यार माइनक्राफ्ट वालों को भी डालना चाहिए यार मोजंग वालों को इसके अंदर। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे तरफ, देख सकते हो यार एक रवीन जैसा है बट उसके अंदर लावा है, रवीन तो है नहीं। एंड सामने एक और अबेंडेंट घर पड़ा हुआ है, इसे भी लूटते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमको क्या मिलता है। बाकी तो हो सकता है अच्छा ही सामान मिले, क्या पता एक डायमंड और मिल जाए हमको, सो उसे भी ले लेंगे हम लोग। बाकी ये देख सकते हो वैसे शाम हो रही है अभी, सो जल्दी से इस घर में चलते हैं। भाई साहब इसके अंदर तो कितनी सारी मकड़ी की जालियाँ डली हुई हैं बे, या यहाँ पे जो रहता था वो कहाँ चला गया पता नहीं यार, मर मुरा गया होगा, ऐसा कोई रहता तो होगा नहीं यहाँ से। गए इधर मेरे को पता है जब मैं खेल रहा था ना तो मेरे को थोड़े विलेजर वगैरह की भी आवाज़ आ रही थी, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई विलेजर होगा भी। सो यहाँ पर ऊपर की साइड जाने के लिए रास्ता है, ऊपर को चलते हैं। एंड हाँ, मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर दे रहा हूँ, आप लोग सोचो कि मैं नॉर्मली खेल रहा था। बाकी तो अगर आप लोगों को ना इसका ना गेम प्ले चाहिए ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड 1K पे आप लोग बस कमेंट कर देना, मैं इसके गेम प्ले बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करो तो। सो यहाँ पर मेरी पूरी इन्वेंट्री भर गई, मतलब चार चेस्ट लूटने में ही बस, जो भी कहो भाई साहब इन लोगों ने लूट तो भर भर के डाली है इन घरों के अंदर। बाकी यहाँ पर अभी तक मेरे को विलेज नहीं मिला, इससे पहले जो मैंने वर्ल्ड खेला था ना उसके अंदर मेरे को विलेज ही मिल गया था, मैंने सोचा था उसी वाली सीट के अंदर खेलूँगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। बाकी बाद में अगर कभी मन करेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, उस वाली सीट के ऊपर भी, आप लोगों को चाहिए तो मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में। बाकी तो अभी नीचे चलते, पता नहीं क्या यार मैं फंस गया था इधर, वैसे शाम हो चुकी है तो सो के जाएंगे, अगले दिन ही जाएंगे यहाँ से, बंद करते गेट एंड चलते सोने। एक्चुअली गाइस यार मैं ना यहाँ पे सो के उठा था एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे घूम रहा था और यहाँ पर देख सकते हो कि जंगली सुअर मेरे को देखने को मिला है। इस सुअर को ही मारती है, मेरे को मार रहा भाई साहब, मतलब यहाँ पे एक्टिव मॉब है ही नहीं, मतलब पैसिव मॉब है ही नहीं, यहाँ पे सारे के सारे हॉस्टाइल मॉब्स हैं। वैसे एक्टिव पैसिव इंग्लिश में होता है, ये मैं कहाँ ले आया यार। सो बाकी तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो गाय का बच्चे, यार बड़े दिनों बाद देखा है गाय के बच्चे को, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इससे पहले कभी गाय के बच्चे को देखा ही नहीं है। वैसे यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा जगह है यार यहाँ पे, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि इसके ऊपर सर्वाइवल सीरीज ही बना दूँ। आप लोग यार नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि क्या इसके ऊपर आप लोगों को सर्वाइवल सीरीज चाहिए या फिर नहीं। वैसे यार 1K सब्सक्राइबर हमारे होने ही वाले हैं, तो यार 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो प्लीज़ यार जल्दी से 1K सब्सक्राइबर भी करवा दो। और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसकी सर्वाइवल सीरीज चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं इसके ऊपर ज़रूर ज़रूर कोशिश करूँगा पूरी बनाने की एंड आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा। सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।